अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज़ीज़ तलबा, ये मैथ 6 चैप्टर 7 है। इस चैप्टर में हम लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बताया, आपने बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, यानी इसे बटा होता है, जिसे हम बटा कहते हैं, बटे की शक्ल में लिखा हुआ नंबर होता है, इसे हम हिंदी में भिन्न और इंग्लिश में फ्रैक्शन और उर्दू में कसरी आदाद कहते हैं। अब आपने देखा कि हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन नंबरों को या भिन्न नंबरों को कैसे दर्शाते हैं, कैसे दिखाते हैं। हमने यहाँ माना था कि हम इसको ज़ीरो मान लेते हैं और इसको एक मान लेते हैं, इसको हम एक मान लेते हैं। अब इसके दरमियान जो नंबर आएंगे वो एक से छोटा और ज़ीरो से बड़ा होगा। तो कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर नीचे का नंबर बड़ा हो, जैसे हमने लिखा 2/8। अब यहाँ देखिए, 2 छोटा है, 8 बड़ा है। तो अगर नीचे का जो अदद है वो बड़ा है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही में आएगा। कोई भी अदद हो, बड़ा से बड़ा अदद हो, अगर एक नंबर भी, आधा नंबर भी नीचे वाला बड़ा है तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच होगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए। और कभी कभार ऐसा होगा इसी का उल्टा, यानी 8/2 है, कभी कभार इस तरह का नंबर आपको मिलेगा बटा, और कभी कभी भिन्न आपको ऐसा मिलेगा, और कभी कभी भिन्न आपको मिलेगा मिश्रित भिन्न, जिसको हम कहते हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन। ये आपका हो गया उचित भिन्न, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी उचित भिन्न और इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी विषम भिन्न। ठीक है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि 2 होता है जिसको हम 2 सही 1/4 है, कभी कभार इस तरह से लिखा रहता है, वो असल में इसी की शक्ल है। इस वाले भिन्न को, जो विषम भिन्न होता है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, वो कभी कभार मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी मिक्स्ड मिश्रित भिन्न। तो हमने देखा कि कभी इस तरह का नंबर होता है, कभी इस तरह का नंबर होता है, कभी इस तरह का नंबर होता है, और तीनों के अलग अलग नाम हैं। ये दोनों जो हैं वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, बस अलग अलग शक्ल में लिखे जाते हैं, और अलग अलग शक्ल में लिखे जाने की वजह से उनके अलग अलग नाम हैं। अब आइए फिर इसी को हम, यानी हमारे पास अगर फ्रैक्शन हो कसरी आदाद तो उसकी 3 किस्में होंगी। या तो वो उचित भिन्न होगा, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और या तो वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, FRACTION, और इसे हम कहते हैं विषम भिन्न। और या तो वो होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन,
मिश्रित भिन्न, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड। फ्रैक्शन तो ये हमारे पास तीन शक्लें होंगी, कोई भी फ्रैक्शन आएगा, कोई भी बटे की शक्ल में कोई नंबर आता है, कोई भिन्न है, तो इसकी तीन ही शक्लें होंगी। पहली शक्ल क्या होगी? उचित भिन्न। उचित भिन्न कोई भी अदद होगा, जैसे 1/4, 3/5, ये उचित भिन्न है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है, नीचे का जो नंबर है वो बड़ा है, ऊपर का छोटा है, और ये हमेशा जो है वो 0 और 1 के बीच ही में रहेगा। ये नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। अगर इस तरह कोई नंबर आता है तो गोया हम मानेंगे कि वो 0 और 1 के बीच में है। जब भी किसी फ्रैक्शन का या किसी भिन्न का नीचे का अदद डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो 0 और 1 के बीच ही में वो अदद रहेगा। अब जैसे 1/4 का मतलब हम समझ नहीं पा रहे क्या है, 1/2 का मतलब अगर मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो 1/2 का मतलब आधा हो गया। तो आधा क्या है? आधा जो है वो 1 से कम है, क्योंकि 1 पूरा है, तो आधा 1 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। ऐसे ही 1/4 है, 1/4 यानी चौथाई हिस्सा, तो 1 का चौथाई हिस्सा कितना होगा? 1 रुपये का चौथाई हिस्सा कितना होगा? 25 पैसा। तो पता चला कि 25 पैसा ये 0 से बड़ा है और 1 रुपये से छोटा है। तो इस तरह से इसे हम समझते हैं। और विषम भिन्न जो होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इसी का उल्टा होता है, यानी ऊपर का इसका बड़ा होता है, मान लीजिए 5 है और नीचे का 3 रहता है, या 8 है नीचे का 4 है, इस तरह का नंबर रहता है। तो अगर इस तरह का नंबर हो तो हमको पता नहीं चलेगा कि ये किस नंबरों के बीच में है, इतना हमको पता रहेगा कि ये 1 से बड़ा है। अगर नीचे का अदद छोटा है, ऊपर का बड़ा है, यानी नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर का अदद बड़ा है, नीचे का छोटा है, तो इतना हमको पता है कि यह है 1 से बड़ा है, यह है 1 से बड़ा है। लेकिन कितना बड़ा यह पता नहीं, हो सकता है 3 से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो, लेकिन इतना पता है कि यह 1 से बड़ा ही होगा। 1 और 2 के बीच में भी हो सकता है, 1 और 6 के बीच में भी हो सकता है, 5 से भी बड़ा हो सकता है, 10 से भी बड़ा हो सकता है, किसी भी अदद से बड़ा वो हो सकता है, लेकिन वो 1 से छोटा नहीं है। ये बात आप जहन में हमेशा रखें, कोई भी नंबर जिसका नोमिनेटर ऊपर का हिस्सा बड़ा हो, नीचे का छोटा हो, वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं इन्हीं मिसाल में से, क्योंकि ये इसका मतलब ये हुआ कि हम इस 4 से 8 को तकसीम करेंगे। अगर जानना हो कि कितना बड़ा है, किन नंबरों के बीच में है, तो आप तकसीम कर दीजिए, 5 को तकसीम कर दीजिए, मसलन 5 ले लेते हैं, 5 को हम तकसीम करते हैं किससे? 3 से। अब 5 को हम 3 से जब तकसीम करेंगे तो आएगा 3 1 3, बाकी बच जाएगा 2। अब हम यहां पॉइंट लगा देंगे और इसके बदले यहां 0 लगा देंगे, 3 6 18 हो जाएगा, बाकी बचेगा 2। अब ये बराबर वही रिपीट होता रहेगा, 1.6666, ये आगे तक चला जाएगा, यानी ये 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम इस शक्ल में भी लिखते हैं, 1.6 बार, यानी 6 जो है वो बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखा आपने कि ये 1 से बड़ा है, 1.6 यानी 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। ऐसे ही अगर हम 4 पे चले जाएं तो हम देखेंगे, हम 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 2 8 ख़त्म हो गया पूरा। अब पता चल गया कि ये 1 से बड़ा है लेकिन वो कौन सा था? 2 है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा नहीं है लेकिन वो 2 है। यहाँ पे देखेंगे हमेशा कोई भी अदद जिसका नीचे का बड़ा है ऊपर का छोटा बटे की शक्ल में है तो वो हमेशा छोटा 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, इल्ला कि वो अदद माइनस में हो। अगर माइनस में तो उसका बात ही अलग है, लेकिन अगर वो एक होल नंबर है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। और अगर उसका ऊपर का बड़ा है तो वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा कभी नहीं होगा। और इसी की शक्ल है, दूसरी शक्ल में लिखी जाती है ये बात यहाँ पे,
उसे कहते हैं मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में यह होता है कि इसी चीज़ को, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, इसी चीज़ को ये लोग मिक्स्ड में लिखते हैं, बजाय इसके कि 5/3 लिखा जाए, इसको लिखा जाता है एक सही और जो बच जाता है। यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे दो बचा था, तो दो एक सही 2/3 कर देते हैं। अब ये दोनों बराबर हैं, आपस में ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि आपने देखा कि हमने यहाँ पे तकसीम किया है, हमने तकसीम किया तो एक मिल गया, तो ये एक सही हो गया इधर। अब बाकी बच गया दो, तो ये 2/3 कर दिया। नहीं समझ में आया? ठीक है, इसको हम यहाँ पे करते हैं उसी को। 5 को हम 3 से तकसीम करें, 3 × 3, बाकी बचा 2। अब ये 1 हो गया, यहाँ आ गया सही, ये 2 बच गया, यहाँ ऊपर आ गया, और ये 3 जो था जिसे तकसीम किया था वो अपनी तकसीम की हालत ही रहा। जब इस तरह कोई अदद होता है तो जो नीचे का होता है, गोया कि हम नीचे वाले अदद से ऊपर वाले को तकसीम कर रहे हैं, तो ये अदद से हम तकसीम कर रहे थे, इसलिए ये अदद अपनी जगह पे बाकी रहा तकसीम की जगह पे, और 2 जो बाकी बचा वो ऊपर आ गया, इस तरह से 2/1 = 2/3 हुआ। अब अगर हमें इसे फ्रैक्शन में लिखना हो, इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसी से हमने यहाँ पे तकसीम किया था, अब हम इसको उल्टा ज़रब कर देंगे, इसको उल्टा ज़रब कर देंगे। आप जानते होंगे कि ज़रब और तकसीम ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पे अगर हमने इसको तकसीम करके ये शक्ल बनाई थी, तो अगर हम उसको पहली शक्ल पे जाना हो तो हम उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे, तो 3 × 3 और 2 × 5, 5/3 हो जाएगा। 3 × 3 इसको जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बाकी रखा था, इसे 3 × 3 इधर हो गया 3 का हिस्सा, और जो 2 बाकी बचा था उसको हमने जोड़ दिया होगा यहाँ पे, जो असल यहाँ पे है नोमिनेटर की शक्ल में, तो 3 × 3 2 × 5, 5/3। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये बातें समझ में आई होंगी। और इसको अगर हमें नंबर लाइन पर दिखाना हो तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको 0, और यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको, मान लीजिए 5 मान लेते हैं। अब हम मान लेंगे इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब यहाँ पे देखें, 1/4 को हम कहाँ दिखाएंगे? 1/4 हमने आपको बता दिया है कि अगर नीचे का अदद बड़ा है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, तो आपको यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहीं पे रहें। 1/4 यानी चौथाई हिस्सा। अब इसका 4 हिस्सा कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, और कितना है? 1, एक हिस्सा ये हुआ, गोया कि यहाँ पे है 1/4 ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट 1/4 आपका यहाँ है। अब हमने हमको दिखाना 3/5। अब इसी का आप 5 हिस्सा बना दीजिए, हम बना देते हैं, चलिए 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कहाँ है 3? हमारा हिस्सा कहाँ है? 3 है, 1, 2, 3, यहाँ हो जाएगा 3/5 ये वाला हिस्सा। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे किसी चीज़ को दिखाते हैं। अब आइए इस पर 5/3 को, हमने देखा कि 5/3 को जो हमने डिवाइड किया कि ये कहाँ पे आएगा, किस नंबर पे, तो हमको पता चला था कि ये 1.6 यानी इसके बाद है, इसके बाद है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आधा यानी 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 तकरीबन। तो इस तरह से ये आधा हो गया, और ये फिर हम इसको 10 टुकड़ों में बांट देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहाँ पे मानेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको मान लेंगे 6, इस तरह से 1 ये हो गया, और यहाँ पे आ गया 6, इस तरह से 5/3 हो गया। यहाँ पे जो हमने तकसीम किया 3 को, तो हमको रिजल्ट मिला 1.6, तो यहाँ पे आया 1.6, यहाँ पे 6 है तो हमने 6 की जगह पे रख दिया। अब हमने 8 को तकसीम किया तो हमको मिला 2, तो डायरेक्टली हम यहाँ 2 पे आ जाएंगे, और 2 ही असल में 8/4 है,
इसको आप छोटा करेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा और 4 × 8 यानी 2 बचा। तो ये 2 जो यही अदद है, यहाँ पे इसका पॉइंट है। ठीक, और इसी को आप यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट बनाया गया है, इसी को आप 1 सही 2/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सही 2/3 ही 5/3 है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 3 से 5 को तो हमको मिलेगा 1.1 सही 2/3। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये बातें समझ में आई होंगी फ्रैक्शन के ताल्लुक से। तो हमने समझा कि फ्रैक्शन जो है वो या भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है उचित भिन्न, जिसका नीचे का नंबर बड़ा होता है ऊपर का छोटा होता है। मैं इसे आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, नीचे का था जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर का था जिसे हम नोमिनेटर कहते हैं, यानी इसी को हम नसबनुमा और शुमार कुनिंदा कहते हैं। ऊपर को नसबनुमा और नीचे को शुमार कुनिंदा उर्दू में कहते हैं। और दूसरी किस्म हमारे पास है विषम भिन्न, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हम मिक्स्ड में लिख देते हैं तो उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं। ये दोनों किस्में तकरीबन एक ही हैं, बस लिखने की शक्ल अलग अलग है। ठीक, और हम इसे मिश्रित से विषम भिन्न में और विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं, इसको भी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिया। अब आगे इंशाल्लाह इसी की हम प्रैक्टिकली मज़ीद एग्जांपल को समझेंगे आगे की क्लास में।